आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में श्वेता करकर। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। आई नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों पर। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे। यहां सीएम ने युवाओं को स्मार्टफोन व टैबलेट वितरित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अयोध्या में इंटेलिजेंट मैनेजमेंट ट्रैफिक सिस्टम को 22 चौराहों पर लगाया गया है, जिसका उद्घाटन किया गया और जो 50 करोड़ की लागत से अयोध्या में लगाया गया है। इन सभी को पब्लिक एड्रेस सिस्टम से जोड़ा जाएगा, जहां हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन को निर्देश दिया जाएगा कि इसे सेफ सिटी से जोड़ा जाए। सेफ सिटी से जोड़ने के बाद राह चलती महिलाओं, बेटियों और व्यापारियों को सुरक्षा मिलेगी। अयोध्या के इतनी सुविधाओं दे दी जाएंगी कि जब भी आप अयोध्या में आएंगे तो गौरव के साथ मुस्कुरा कर कहिएगा कि आप भगवान राम की नगरी अयोध्या में हैं। ITMS, इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, ये लगभग 50 करोड़ रुपए का है। आज इसके उद्घाटन का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है, जिसमें अब ट्रैफिक की व्यवस्था हर चौराहे पर ट्रैफिक लाइट के माध्यम से ज्यादातर चौराहों को, यानी 22 चौराहों को पहले ऑटोमेटिक सिग्नल के साथ हम जोड़ रहे हैं। सीसीटीवी कैमरे लगे होंगे और मैं कहूंगा प्रशासन से कि ये ITMS को सेफ सिटी के साथ भी जोड़ेंगे। सेफ सिटी के साथ जोड़ेंगे तो महिलाओं की, बेटियों की सुरक्षा, व्यापारियों की सुरक्षा, राह चलते हुए नागरिकों की सुरक्षा, श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। और हमें आज के दिन पर तकनीकी दृष्टि से इतना दक्ष अपने आप को बनाना पड़ेगा, अपनी संस्थाओं को बनाना पड़ेगा, हर व्यक्ति बहुत सुरक्षित होकर आगे बढ़ सके। और जब भी अयोध्या में आए तो बड़े गौरव के साथ कैसे अयोध्या में भगवान राम की पावन भूमि पर आकर के कह सके, गौरव के साथ कह सके कि मुस्कुराए आप। से है जहां सीएम योगी ने जनता को 67.89 करोड़ रुपए की विकास परियोजना का तोहफा दिया। इसी कड़ी में सीएम ने सबसे पहले विकास खंड बरोहिया भवन परिसर में बने नव निर्मित ब्रह्मलीन महंत अवैद्यनाथ की प्रतिमा का अनावरण करते हुए मुख्यमंत्री ने 1000 विद्यार्थियों को टैबलेट और स्मार्टफोन बांटे, जिनमें से करीब 10 बच्चों को मुख्यमंत्री के हाथों टैबलेट स्मार्टफोन पाने का मौका मिला। बाकी विद्यार्थियों को विभाग के अफसर और कर्मचारी की ओर से टैबलेट स्मार्टफोन वितरित किए गए। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि भाजपा सरकार छात्र छात्राओं को स्मार्टफोन और टैबलेट बांट रहे हैं। सहारा बैंक और पल्स कंपनियों में फंड्स, निवेशकों के फंड्स पैसे लौटाने की मांग को लेकर कांग्रेसियों ने कई जगहों पर प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेसियों ने कहा कि गरीब मजदूर, दुकानदार और व्यापारियों ने सहारा में पैसा जमा किया था, वो पैसा उनका मैच्योरिटी के बाद भी नहीं मिला, जिसको लेकर वो ऑफिस से चक्कर काटने को मजबूर है, लेकिन उनकी सुनवाई कहीं नहीं हो रही। सहारा बैंक और पल्स कंपनियों के खिलाफ प्रदर्शन जारी है, जहां अयोध्या और अलीगढ़ से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सहारा बैंक और पल्स कंपनियों के खिलाफ प्रदर्शन जोरदार जारी है, जहां लोगों ने अपनी मांगों को सामने रखा है। 97,000 नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर कई जिलों में अभ्यर्थियों ने भाजपा सरकार और शिक्षा मंत्री के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान अभ्यर्थियों ने कहा कि अगर चुनावों से पहले सरकार ने भर्ती निकाली तो सभी अभ्यर्थी चुनाव का बहिष्कार करेंगे। शिक्षक भर्ती को लेकर लगातार प्रदर्शन जारी है। हम आपको फरुखाबाद, चंदौली, मैनपुरी और रायबरेली से सीधे तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर लगातार प्रदर्शन जारी है। जहां शिक्षक भर्ती को लेकर प्रदर्शन ये जारी किया गया है, वहां पर सभी 97,000 भर्तियों को लेकर ये प्रदर्शन किया जा रहा है। फरुखाबाद से आप तस्वीरें देख सकते हैं, चंदौली और मैनपुरी रायबरेली की भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं आपने, जिसमें लगातार प्रदर्शन जारी दिखाया जा रहा है।
खबर आगरा से है, जहां थाना जगदीशपुरा में दो पक्षों में मामले का समझौता करने और भाजपा कार्यकर्ता में थाने में तैनात मुंशी अमित शर्मा ने मारपीट की, जिसके बाद भाजपा विधायक समेत कार्यकर्ताओं ने थाना का घेराव करते हुए मौके पर पहुंची क्षेत्र अधिकारी से थाने में तैनात मुंशी को तत्काल प्रभाव में निलंबित करने की मांग की है। ये थाना जगदीशपुरा पर एक शिकायत मिली थी कि मनीष नाम के एक व्यक्ति को पुलिसकर्मियों द्वारा उनके साथ बदतमीजी की गई, अभद्रता की गई है। इस संबंध में जो है यहाँ पे काफ़ी लोग इकट्ठा थे, माननीय विधायक जी भी आए थे, तो उन लोगों से वार्ता की गई, उन्हें समझाया गया और जो दोषी पुलिसकर्मी है उनके खिलाफ रिपोर्ट भेजी जा रही है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। हमारे मंडल के महामंत्री श्री मनीष अग्रवाल जी यहाँ लोगों के न्याय दिलवाने की बात करने के लिए आए, तो यहाँ रिश्वती लोगों द्वारा उनके साथ बदसलूकी की गई, गड़बड़ की गई, मारपीट की गई, उसके विरुद्ध हम लोगों ने शिकायत की है और हमारे एसएसपी आगरा ने इनको निलंबित करने के लिए हमको कहा है और यहाँ क्षेत्र अधिकारी बैठी थी अर्चना जी, उन्होंने भी इसको सूचना दी है और मैं समझता हूँ कि निलंबित होने के बाद में विभागीय कार्रवाई होगी। हमारे मनीष जी और सब कार्यकर्ताओं को ठीक है, हमारे कार्यकर्ता के साथ पिटाई हुई, लेकिन हमको इस बात का भी है कि उन्होंने भ्रष्ट और दुष्ट लोगों के विरुद्ध संघर्ष किया है, उसके लिए भी मैं मनीष जी को बधाई देता हूँ। और हमारा काम चाहे सरकार किसी की हो, हमारी सरकार है, फिर भी जब सरकार नहीं थी तब भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता न्याय के लिए हमेशा संघर्षरत रहता है। खबर चंदौली से है, जहां सदर कोतवाली क्षेत्र जगदीश सराय के एक निजी मेडिकल कॉलेज पर बीजेपी नेता एन पांडे ने प्रबुद्ध सम्मेलन का आयोजन किया। इस दौरान प्रबुद्ध सम्मेलन में आए लोगों को बीजेपी नेता डॉक्टर के एन पांडे ने शॉल भेंट करके सम्मानित किया। वहीं इस दौरान भाजपा नेता ने बताया कि सकल डीहा विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी जिसको कभी भी टिकट देगी उसका पूरा समर्थन किया जाएगा। देखिए, सैकड़ों की संख्या में लोग आ रहे हैं, आपके सामने जो है सम्मानित करने का काम किया गया है। ये वो लोग हैं जो कि उस मकान की नींव की तरफ हैं, जो नींव के अंदर दबे हुए इन्हीं के ऊपर इमारत खड़ी हुई है जो भारतीय जनता पार्टी की हुई है और देश प्रदेश के अंदर जो सरकारें चल रही हैं और उनसे ये बहुत बड़े ये लोग मिल के पत्थर साबित हुए हैं। इन्हीं लोगों की पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के सिद्धांतों के ऊपर, जो एकात्म मानववाद के सिद्धांत पर वो चले थे, आज भारतीय जनता पार्टी उसी लक्ष्य को लेकर के काम कर रहे हैं। प्रख्यात हेयर कटर जावेद हबीब ने हेयर कटिंग सेशन में महिला के सर पर थूक कर उसके बाल काटे थे और ये वीडियो सोशल मीडिया पर बीते दिनों काफी तेजी से वायरल हो रहा था। वीडियो वायरल होने के बाद हिंदू समाज में आक्रोश व्याप्त है, जहां हिंदुवादियों ने नाराजगी जताई है और कहा कि इस तरह पानी की जगह अपने थूक को शैंपू से अच्छा बताकर धर्म विशेष की महिलाओं का अपमान करना बहुत गलत है। इस तरह की हरकत करने पर जावेद हबीब को हिंदू धर्म की भावना को आहत करने के लिए मुकदमा दर्ज कर तत्काल प्रभाव से गिरफ्तारी की मांग की है। वहीं इस मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद एकत्रित हुए सैकड़ों हिंदुवादियों ने किशनपुर तिराहे स्थित जावेद हबीब की हेयर कटिंग सैलून के सामने जावेद हबीब का पुतला दहन किया और उसके खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मेरा नाम विशाल गुप्ता है। आज जितने भी यहाँ हिंदुवादी कार्यकर्ता खड़े इकट्ठे हुए हैं, ये मैं उन तमाम संगठन की ओर से बता देना चाहता हूँ कि चाहे जावेद हबीब हो या अन्य कोई असमय तत्व, कोई भी हिंदुवादी विचारधारा को छुएगा या हिंदुओं का अपमान करेगा, हम सभी समस्त कार्यकर्ता सड़कों पर आंदोलन करेंगे और इसकी घोर निंदा करेंगे। लगभग 5 तारीख या 6 तारीख के आसपास कोई जावेद हबीब जो वर्ल्ड फेमस हेयर ड्रेसर हैं उनके द्वारा कोई सेमिनार ऑर्गेनाइज की गई, आई थिंक यूपी के मुजफ्फरनगर शहर में, वहाँ पे उनके द्वारा कोई अभद्रता टिपिंग टिप्पणी की गई जो थी हिंदू लेडीज के लिए, जो कि हिंदू भाई ने बजरंग दल के लोगों को या हमारे हिंदू समाज के लोगों के लिए बड़ा ही बड़ा अभद्रता हुआ। से है, जहां शेरगढ़ में एक पीड़ित परिवार ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दरोगा अर्जुन राठी की शिकायत करना इतना महंगा पड़ा कि दरोगा पुलिस फोर्स के साथ शिकायतकर्ता परिवार के घर पहुंच गया और अपनी शिकायत को लेकर परिवार पर लाठियां भांजनी शुरू कर दी, जबकि पुलिस की ये कारतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ तहसील में खुद सरकारी कर्मचारी ही सरकार के आदेशों की धज्जियां उड़ा रहे हैं।
दरअसल आपको बता दें कि बीते दिन 6 बजे के बाद बल्लभगढ़ की तहसील में अवैध रजिस्टर हो रही थी। जैसे ही मीडिया ने वहां पर कैमरा चलाना शुरू किया, वैसे ही महज कुछ मिनट की रजिस्ट्री ऑफिस बंद करके अधिकारी रफू चक्कर होते हुए नजर आए। बता दें कि हरियाणा में लगातार कोरोना वायरस बढ़ता जा रहा है, इसको देखते हुए हरियाणा सरकार ने शाम 6 बजे के बाद हरियाणा के फरीदाबाद, गुरुग्राम सहित 5 जिलों में मिनी लॉकडाउन लगाया है, जहाँ पर शाम को 6 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक सिर्फ एसेशन सर्विस को छोड़कर तमाम चीजें बंद रहने के बावजूद इसके फरीदाबाद के बल्लभगढ़ तहसील में सरकारी बाबू रजिस्ट्री ऑफिस खोलकर धड़ल्ले से अवैध रजिस्ट्री करते हुए नजर आए। अभी आपके माध्यम से मेरे को इसके बारे में पता चला है, हालांकि कल मैं भी यहां से 5:45 बजे के आसपास गए हूं, तो तब तो मेरे संज्ञान में था नहीं। आपने मुझे वीडियो वगैरह फुटेज वगैरह दिखाई है और इसकी हम गहनता से जांच करेंगे, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। खबर फरीदाबाद से है, जहां अवैध रजिस्ट्री करते नजर आए हैं वहां पर सरकारी बाबू। आपको बता दे चले कि वहां फरीदाबाद में कोरोना के बढ़ते कारण वहां पर कर्फ्यू की बात कही गई थी, जो शाम के 6 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक के लिए कर्फ्यू की बात कही गई थी, जिसके चलते वहां पे रजिस्ट्रार बंद करने की बात कही गई थी। उसके बाद भी वहां के सरकारी अधिकारी उसके बाद भी वहां पे रजिस्ट्री करते हुए नजर आए, जिसकी ये घटना मीडिया के कैमरे में कैद हुई है। अवैध रजिस्ट्री करते नजर आए हैं सरकारी बाबू, जहां सरकारी कर्मचारी उड़ा रहे हैं नियमों की धज्जियां। आपको बताते चले कि यहां पर शाम को 6 बजे से लेकर और सुबह 5 बजे तक सिर्फ एसेशन सर्विस छोड़कर तमाम चीजें बंद रहने की निर्देश दिए गए थे, जिसके बावजूद इसके फरीदाबाद के बल्लभगढ़ तहसील में सरकारी बाबू रजिस्ट्री ऑफिस खोलकर धड़ल्ले से अवैध रजिस्ट्री करते हुए नजर आए हैं, जहां पर लगातार कोरोना वायरस की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जहां पर नियमों का पालन देखने को लिए नहीं मिल रहा है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मनोज सूर्यवंशी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। तो मनोज, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है, आखिर किस तरीके से नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है? तो बता दें, फरीदाबाद के जो बल्लभगढ़ की जो तहसील है, कहीं ना कहीं सरकार के जो नियम है उनकी अनदेखी जो प्रशासन के जो अधिकारी है वो कहीं ना कहीं करते हुए नजर आ रहे हैं। इन 6 बजे जो सरकार द्वारा जो टाइम निर्धारित किया है, उसके बाद भी वो जो अदर टाइम है उनके बाद भी लोगों को बुलाकर वहां रजिस्ट्रिया करते हुए नजर आ रहे हैं। और जब कैमरा, मीडिया का कैमरा वहां चला तो बचते हुए नजर आए और ऑफिस बंद करके रफू चक्कर हो गए थी। साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए खबर मिर्जापुर से है, जब विकास की बह रही आंधी के बीच मतवार न्याय पंचायत के सैकड़ों महिलाओं एवं पुरुषों ने बहौड़ी मोड़ पहुंचे, जहां ग्रामीणों ने रोड नहीं तो वोट नहीं का नारा बुलंद करते हुए प्रदर्शन किया। मतवार न्याय पंचायत के मतिहरा सगरा नंदना मतवारा बेलाही कुशियरा और बरुआ मतवारी आदि तमाम गांवों के सैकड़ों युवा महिला पुरुषों ने करीब बहौड़ी मोड़ पर पहुंचकर नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। लोगों का कहना है कि आजादी के 75 साल बीत जाने के बाद भी आज तक मतवार न्याय पंचायत अंतर्गत आने वाले गांव में रोड की सुविधा न होने के कारण ही विकास से वंचित है। न ही अच्छी अच्छी स्वास्थ्य सुविधा मिल पा रही है और न ही अच्छी शिक्षा की व्यवस्था हो पा रही है। रोड नहीं तो वोट नहीं, यदि हम सबको सबका रोड नहीं बनता है तो हम लोग वोट नहीं डालेंगे, ये एक बात। दूसरी बात, इस रोड के तहत हम सब इतने लाभ से वंचित किए जा रहे हैं और इतने लाभ से वंचित हैं, शिक्षा की अव्यवस्था, स्वास्थ्य की अव्यवस्था, रोड के यानी कि सारी योजनाएं जो भी कुछ हैं रोड के तहत, हम लोगों की जो भी व्यवस्थाएँ हैं सब तहस नहस की जा रही हैं। हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय प्रधान जी मंत्री महोदय, मैं पूरा न्याय पंचायत मतवार आग्रह करता है, निवेदन करता है कि मेरे हम सब जिस तरह भारत के हर सुविधाएं दी जा रही है, उस सुविधाएं से वंचित ना करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय प्रधान। खबर सिद्धार्थ नगर से है, जो
मौजूदा गरीबों को राशन मुहैया कराने के लिए सरकार तरह तरह के प्रयास कर रही है, लेकिन कुछ लोग शासन की मंशा पर पानी फेरने से जिम्मेदार बाज नहीं आ रहे। जहां ताजा मामला सिद्धार्थनगर जनपद के खेसरा ब्लॉक का है, जहां सरकारी दुकान की दुकानदार पर कार्ड धारकों से अंगूठा लगवा कर खाद्यान्न न देने का आरोप लगाया है। खेसरा ब्लॉक के मिश्रौलिया के कार्ड धारक ट्राली की मोटरसाइकिल से बासी तहसील पर पहुंचकर प्रदर्शन करने लगे और कोटेदार पर आरोप लगाते हुए सैकड़ों कार्ड धारकों ने उपजिलाधिकारी को दिया। वहीं मीडिया से बात करते हुए कार्ड धारकों ने बताया कि हमारे गांव में एक कोटेदार महीने में दो बार राशन मिलता है, लेकिन एक बार में देते हैं और उसमें भी खाद्यान्न काट कर ही देते हैं। अगर कुछ बोलो तो कोटेदार परिवार के अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने लगते हैं। राशन आने गए हैं साहब, बोलन के राशन दो तो कहा था इनके काबिल अंगूठा लगा। हम कहें अगले बार अंगूठा लगाए ना, अगले बार के राशन दो, दोनों दहियाँ दियो तो हम अंगूठा लगाई। सोचे कहा थे लिए खोलियो ना, तो यहाँ से भाग जा। ये रहला चिंता देवी, क्या मामला है? गल्ला ना मिला है तो ने एक अंगूठा लगा ली नहीं, और फिर ने दोबारा आज अंगूठा लगाए नहीं, अगला वाला ना दी नहीं। अब की वाला कहा है कि हमरे ना देव गल्ला। मेरे राशन आने का रहन तो कहा है अंगूठा लगाओ, हमरे बोले ना अंगूठा ना लगाए, कहा अंगूठा ना लगाई भी तो यहाँ से चल जाओ, राशन ना मिली जोन करे जोन मार कर लियो। और पहले अंगूठा लगा 27 की 28 का अंगूठा लग गया तो हमरे जाने वही नाते फिर से राशन दो, तो कहा ना नहीं अंगूठा लगाओ तब दे। मिश्रौलिया रहिला नोखा नाम। आज ग्राम पंचायत बड़ारा के लगभग 60 लोगों ने एक प्रार्थना पत्र दिया है, जिसमें कोटेदार के द्वारा अंगूठा लगा लिया गया है और राशन नहीं देने की शिकायती पत्र प्राप्त हुई है। इसकी तत्काल से कल ही जांच कर। खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां सारा बैंक और पल्स कंपनियों ने फंड से निवेशकों के पैसे लौटाने की मांग को लेकर कांग्रेसी ने प्रदर्शन करते हुए राज्यपाल के नाम संबोधित ज्ञापन SDM को सौंपा। वहीं इस प्रदर्शन के दौरान मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर रमेश चौधरी ने बताया कि जो गरीब मजदूर दुकानदार और व्यापारियों ने सहारा में पैसा जमा किया था, वो पैसा उनको मैच्योरिटी के बाद भी नहीं मिला। जो हमारे गरीब मजदूरों ने, छोटे दुकानदारों ने, व्यवसायियों ने, नौजवानों ने, बेरोजगारों ने सहारा में पैसा जमा किया था, वो पैसा मैच्योरिटी के बाद भी नहीं मिला सहारा के द्वारा। और सहारा के मालिक जो सुब्रत राय है, इस पैसे का गमन करके बैठे हुए हैं। तो मैच्योरिटी के बाद जो पैसा नहीं मिला, तो हमारी कांग्रेस पार्टी ने ये कदम आगे बढ़ाया है कि हम ये पैसा जो गरीबों का इन लोगों ने हैक करके रख रखा है, छुपा के रख रखा है, उस पैसे को वापस दिलवाने के लिए हम लोग आज तहसील प्रांगण में आदरणीय SDM साहब को ज्ञापन दिए हैं, जो राज्यपाल को भेजेंगे, और हम लोग कदम से कदम मिलाकर के लड़ाई लड़ेंगे ताकि हमारे गरीब लोगों का पैसा सरकार गमन ना कर सके। कांग्रेसी प्रदर्शन कर आपको ज्ञापन दिए, क्या है पूरा मामला? सहारा कंपनी के द्वारा उसके जितने भी काम करने वाले एम्प्लॉई और अन्य लोगों जिनका खाता सहारा में खुला हुआ था और जिनके द्वारा पैसा जमा कराया गया था, और कंपनी डूबने की वजह से बहुत सारे लोगों का पैसा वापस नहीं मिला है, इसके संबंध में ज्ञापन मिला है। माननीय राज्यपाल महोदय को ज्ञापन प्रेषित कर दिया जाएगा और ये सभी को अश्योर किया गया है। अयोध्या के बीकापुर तहसील में कड़कड़ाती ठंड के साथ दिन भर में लंबे इंतजार के बाद आखिरकार देर शाम गरीबों को एक आदत कंबल की सौगात में ली गई। इससे पहले दिन भर भटकटकी बांधे दूर दराज क्षेत्र से आए गरीब कंबल पाने का लंबा इंतजार करते रहते थे, जहां स्थानीय विधायक शोभा सिंह चौहान और उनके प्रतिनिधि लाल लश्कर के साथ तहसील के सभागार में विराजे और SDM बीकापुर अनुराग प्रसाद और तहसीलदार राजेश कुमार वर्मा की उपस्थिति में विधायक प्रतिनिधि अमित सिंह चौहान ने घरौनी प्रमाण पत्र का भी वितरण किया गया। वहां कंबल पाकर गरीबों के चेहरे खिल गए। मैं प्रेजेंट टाइम पे बीजेपी मंडल मंत्री हूँ बीकापुर विधानसभा क्षेत्र से। मैंने यहाँ कंबल वितरण के कार्यक्रम में आज शोभा सिंह जी, हमारी माननीय विधायिका जी, आके कंबल वितरण करना चाहती थी और आई थी इस समय पर। तहसीलदार महोदय, जो गरीब जनता कंबल लेने आई हुई थी, उनके साथ अभद्रता का काम किया, उन पर लाठीचार्ज करवा दी, जैसे किसी भेड़ बकरी को ढकेला जाता है उस तरीके से तहसीलदार साहब ने उनको ढकेलवाया, जिसमें एक बूढ़ी माता भी चोटिल हो गई। और कह रहे जो यहाँ कंबल लेने आया है वो बेइज्जत है। बताइए, हमारी गरीब निरीह जनता वो बेइज्जत है? किसी गरीब का सम्मान नहीं है? इस प्रकार से किसी अधिकारी का कार्य होता है कि गरीब जनता के साथ इस तरह किया जाए? तहसील पे आज गरीबों के लिए कंबल वितरण का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें अतिथि विशेष हमारे यहाँ के बीकापुर के विधायिका
श्री शोभा सिंह और अतिथि विशेष में अमित सिंह। तो आज उनके हाथ से आज यहाँ कंबल वितरण का कार्यक्रम हुआ, जिसमें हम लोगों को भी आमंत्रित किया गया था गरीबों को कंबल बांटने के लिए। खाकी वर्दी और पुलिस का नाम आते ही चोर बदमाश भी घटनाओं को अंजाम देने से पहले हजार बार सोचते हैं और पुलिस गाड़ी का सायरन सुनते ही भाग खड़े होते हैं। लेकिन अलीगढ़ में एक घटना ने पुलिस की कार्यशैली पर सवालिया निशान खड़े कर दी है। दरअसल थाना छरा इलाके से अतरौली रोड मंडी के पास से स्थित श्री लखीम राम फैमिली ढाबा के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में पुलिसकर्मी की वर्दी पहने युवक का अजीबोगरीब हरकत कैद हो गई। वीडियो में दिख रहा है कि ढाबा के बाहर एक पुलिस की गाड़ी आकर रुकती है और उससे कई पुलिसकर्मी उतरता है, जो कि ढाबे की ओर बढ़ते हुए एक तख्त के नीचे रखे कुछ बर्तन निकालकर पुलिस जीप में रख देता है। इस मामले पर थाना प्रभारी से फोन पर बात की गई तो उनका कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। अरे ऐसा था कि वो प्लास्टिक के टब हैं, वो बाहर रखे रहते हैं कूड़े के लिए, उसमें दो टब और हैं, एक बड़ा एक छोटा। उसमें वो पुलिस की 4 बजे के लगभग पुलिस की गाड़ी आती है और उसमें से सिपाही या पता नहीं कौन थे वो उठाकर ले गए। कौन सी जगह होटल है तुम्हारा? ये पेट्रोल मंडी से आगे अतरौली रोड पर भारत पेट्रोल पंप के सामने। क्या नाम से होटल? लकीराम। तो पुलिस की गाड़ी ले जाती है निकाल के इनको? हाँ, पुलिस की गाड़ी आती है और उसमें से सिपाही या होमगार्ड आते हैं, वो ले जाते हैं। आपको कैसे पता चला? आपको हमने कैमरे में देखा। खबर देवरिया से है जहां बेखौफ चोरों ने मदनपुर थाना क्षेत्र के कार्यकाल शुक्ल में 6 दुकानों का शटर तोड़कर नकदी समेत अन्य सामान लेकर फरार हो गए और जैसे ही व्यापारियों को चोरी की जानकारी मिली तो व्यापारियों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए चोरों को गिरफ्तार करने की मांग उठाई है। दुकान का शटर तोड़ के और उसमें एक बैग था, उस बैग में मेरा सिस्टम था, लैपटॉप था, 2 मंत्रा था और काउंटर में हमने लगभग 1,15,000 रुपये था, सब चोरी हो गया। खबर मैनपुरी से है जहां सदर सीओ ने कष्ट के दौरान थाना प्रभारी के साथ जाकर ग्राम उजिया फकीरपुर में झुग्गी झोपड़ी में रह रहे गरीब बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों के चेहरे पर मुस्कान लाने का काम किया है। इस दौरान पुलिस ने ठिठुरन भरी सर्दी में बचने के लिए ऐसे जरूरतमंदों को कंबल और ऊनी कपड़े वितरित किए जिन्हें उसकी बहुत जरूरत थी, जबकि कंबल और कपड़े पाकर जरूरतमंदों के चेहरे खुशी के देखने को मिले हैं। साथ ही सीओ के इस काम की प्रशंसा पूरे जिले में हो रही है। बड़ा गुपचुप तरीके से आज हम लोग घूम रहे थे, आज बहुत ही बारिश है और ठंड भी अपने चरम पे है, तो आज यही इच्छा हुई कि आज सब लोग घरों में हैं और ठंड से बच रहे हैं, हम और हमारी फोर्स एसओ साहब सब लोग मिलके निकले। एक ईंट भट्ठे पे बच्चे चूँकि काफ़ी गरीब होते ही हैं और ठिठुर रहे थे, हमने इनसे बात करके फिर कम से कम 25 कंबल को अरेंज किया और उनको हम लोगों ने बांटा है। जो छोटे बच्चे थे उनके साथ फ़ोटो भी खिंचाए हम लोगों ने, तो बड़ा अच्छा लगा, अपने आप को भी बड़ा अच्छा लगता, उन लोगों को भी बहुत अच्छा लगा। रायबरेली जिले के सलून कोतवाली क्षेत्र स्थित अजडिया ग्राम सभा उतरेठिया गांव में हड़कंप उस समय मच गया जब बीमारी से तंग आकर एक लगभग 16 वर्षीय किशोरी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक के परिजनों ने बताया कि उसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं था और लगभग 4 वर्षों से उसका इलाज कराया जा रहा था और बीमारी से तंग आकर अचानक किशोरी ने कमरे में जाकर फांसी लगा ली। 5-6 साल से पहले छत पर से गिर गए थे, सिर्फ सर में चोट लगने की वजह से दिमाग की मानसिक उसे ठीक नहीं रहती थी, कभी कभी उसका दिमाग जैसे केक जैसे हो जाता था। अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन अखिल कुमार ने निर्देश पर बस्ती पुलिस की बड़ी कार्रवाई की है, जहां पुलिस अधीक्षक बस्ती आशीष श्रीवास्तव के मार्गदर्शन में पुलिस ने NBW वारंटियों को गिरफ्तार किया। अपराध व अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत संस्थानों की ओर से 78 वारंटियों को गिरफ्तार किया गया, जहां सभी वारंटियों को पुलिस लाइन से न्यायालय बस्ती के लिए रवाना किया गया। 6 और 7 जनवरी की रात में थाना जनपद बस्ती में NBW वारंटियों के विरुद्ध अभियान चलाया गया था, जिसमें पूरे जनपद के सभी थानों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया।
और कुल 173 NVW का तामीला कराया। इस प्रकार से कुल 78 लोग गिरफ्तार करके आज न्यायालय भेजे गए हैं। और ये जानकारी हुई कि 40 लोगों ने अपना वारंट रिकॉल करा लिया था और उसमें से 55 लोग मृतक हो गए हैं। इस प्रकार टोटल 173 वारंटों का तामीला हुआ है। बहुत अच्छी कार्रवाई है, इसी प्रकार की कार्रवाई हम आगे भी करते रहेंगे। खबर बदायूं से है, जहां अलापुर के नेहरू आदर्श इंटर कॉलेज में छात्र छात्राओं को कोरोना की वैक्सीन लगाई गई। इस दौरान लोगों को जागरूक करते हुए कहा गया कि कोरोना वैक्सीन की पहली डोज करीब 100 लोगों को लग चुकी है और जिनको वैक्सीन की दूसरी डोज लगनी है वो भी वैक्सीन की दूसरी डोज लगवा ले ताकि देश को फिर से महामारी का सामना नहीं करना पड़े। गाजीपुर में थाना कोतवाली सदर पुलिस ने चार शातिर हेरोइन तस्करों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से 3 किलोग्राम अवैध हेरोइन और 3 बाल्टियों में भरा 15 किलोग्राम क्रूड ऑयल बरामद किया गया है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत लगभग 3 करोड़ रुपए है। पुलिस अधीक्षक रामबदन सिंह ने अपने कार्यालय में पत्र प्रतिनिधियों को जानकारी दी और बताया कि अपराध और अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे चेकिंग अभियान व वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी में पुलिस के हाथ सफलता लगी है और अब पकड़े गए अभियुक्तों पर पुलिस की कड़ी कार्रवाई कर रही है। पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, इसमें 4 जो ड्रग के तस्कर हैं और बड़ी मात्रा में ये हीरोइन सप्लाई करते हैं पकड़े गए हैं। इनके पास से 3 किलो कच्चा माल मिला है और 15 किलो केमिकल मिला है जिससे ये बनाते थे और सारा इसका सामान भी मिला हुआ है। इनके पास से 2 गाड़ियां भी मिली हैं, जो इस गैंग का लीडर है उसी के नाम है, उसकी एक पत्नी के नाम है, एक जाइलो कार है, एक स्विफ्ट डिजायर है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय कीमत लगभग 3 करोड़ से ऊपर ही होगी इसकी, और 2 गाड़ियां और ये 4 मुलजिम पकड़े गए हैं। से है, जहां मियांगंज चकलवंशी मार्ग शाहबाद गांव मोड़ के पास से वाहन चेकिंग दौरान पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। धरपकड़ के दौरान पुलिस ने बाइक सवार एक चोर को गिरफ्तार किया, जबकि एक अन्य अभियुक्त कोहरे का फायदा उठाते हुए भागने में कामयाब रहा। जबकि गिरफ्तार चोर के कब्जे से पुलिस ने नकदी चरस तमंचा समेत चोरी के गहने बरामद किए हैं। आसीवन पुलिस द्वारा वाहन चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। उसके पूछताछ से पता चला कि इसने अजगैन थाने में एक बड़ी चोरी की थी और इसका एक 11 आपराधिक इतिहास का पता चला है। इसके आपराधिक इतिहास और सारी पूछताछ से इसके पास से 1 किलो 84 ग्राम इतना चरस मिला है, 1 जोड़ी पायल, 1 जोड़ी तोड़िया, 1 हाफ पेटी, 1 बेशर, 1 जोड़ी झाले, 8 मोबाइल फोन, 1 मोटरसाइकिल और 1 तमंचा, 2 कारतूस। ये एक हार्ड कोर क्रिमिनल है जिसकी गिरफ्तारी हमारे लिए एक बड़ी उपलब्धि है और आगे भी इसी तरीके से अपराधियों के खिलाफ अभियान चलता रहेगा। महामारी जब जब आई है तब अपने अपने साथ दर्द भी लाई है। कोरोना ये वो नाम है जिसने पूरे विश्व को हिला कर रख दिया। रोते बिलखते चेहरे, लाशों की लंबी कतारें, अंतिम संस्कार के लिए लाइन में खड़े लोग, चेहरे पर छलकता डर और दर्द, एम्बुलेंस के कान में चुभती आवाजें और घर में कैद करने वाला लॉकडाउन, क्या कुछ नहीं दिखाया इस कोरोना ने। और अब देश में एक बार फिर से कोरोना का ग्राफ तेजी से बढ़ता नजर आ रहा है, जिससे चुनावी राज्य उत्तर प्रदेश में अछूता नहीं है। कोरोना लगातार अपने अलग अलग वेरिएंट में कहर बरपा रहा है, तो अब नया वेरिएंट ओमिक्रॉन भी तेजी से पैर पसार रहा है। वहीं सूबे की सरकार भी खासा सक्रिय है, देखिए ये खास रिपोर्ट। देश के तमाम राज्यों की तरह उत्तर प्रदेश में भी कोरोना संक्रमण का बढ़ता आंकड़ा डरा रहा है। यहां हर दिन मामलों में इजाफा हो रहा है। पिछले 24 घंटे में प्रदेश में कोरोना के 3000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं, जिसके बाद अब यहां सक्रिय मामलों की संख्या 8000 का आंकड़ा पार कर गई है। वहीं राज्य के स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों से पता चलता है कि प्रदेश में सक्रिय मामले केवल एक दिन में 37% से ज्यादा बढ़कर 8224 हो गए हैं।
वहीं नए मामले 24 घंटे में उसी दर से दोगुने हो गए हैं। उत्तर प्रदेश में 3,121 नए कोरोना मरीज, गाजियाबाद में 609 कोरोना मरीज मिले, नोएडा में 600 नए मामले आए सामने, लखनऊ में 408 नए मामले मिले, सहारनपुर में 94 कोरोना मरीज मिले, मुरादाबाद में 122 कोरोना संक्रमित, मथुरा में 80 मामले आए सामने, प्रयागराज में 70 कोरोना मरीज मिले, लखीमपुर में 11 नए मामले आए सामने, सोनभद्र में 15 कोरोना मरीज मिले। वहीं प्रदेश में कोरोना की स्थिति को देखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ भी खासा चिंतित हैं। कोरोना के मरीजों की लगातार संख्या में इजाफा होता देख सीएम योगी ने पहले ही गाइडलाइंस जारी कर दी है, जिसके तहत बच्चों और किशोरों को महामारी से बचाने के लिए कक्षा 10 तक के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में 16 जनवरी तक छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है, लेकिन इस अवधि में उनका टीकाकरण जारी रहेगा। योगी सरकार ने सभी जिलों के स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन को अलर्ट मोड में रहने के निर्देश दिए हैं। साथ ही बाहर से आने वाले लोगों की टेस्टिंग और ट्रेसिंग भी अनिवार्य कर दी है। कोरोना के दिए पुराने जख्म अभी भरे भी नहीं थे कि अब फिर से कोरोना की दस्तक ने चिंता और डर का माहौल पनपा दिया है। न जाने कितनों ने कोरोना की चपेट में आकर अपनी जान गंवाई, न जाने कितने लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया। अब फिर से कोरोना का बढ़ता दायरा बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी। उत्तर प्रदेश की अब तक की खबरों में फिलहाल बस इतना ही, और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।